नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन द फैक्टाई से। आज हम जानेंगे लोगों से, लोगों की जुबानी, सच्चाई की कहानी कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा आश्रम की सच्चाई। आज हम यहां जुड़े हुए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसे के बारे में बात करने के लिए, और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसे का सच। नमस्कार मैम, मैम आपका? बाला रानी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम से कितने समय से जुड़े हुए? 26 साल से। इतना लंबा समय आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम से जुड़े हुए, आखिर क्यों, क्या देखे आपने वहाँ आश्रम में? हमने वहाँ आपके वो उधर बहुत अच्छा देखा जी। आज तक पिताजी जो थे ना, हमारे अपने बाप से भी ज्यादा बढ़ के। क्या कुछ समाज में भलाई के कार्य करे हैं गुरुजी ने? सभी भलाई के ही करे हैं जी। आज तक सारा अच्छा ही काम करे, कभी कोई ऐसा काम नहीं करा, सब अच्छा काम करे है गुरुजी ने। और आप भी वहाँ बैठे भी अच्छे ही काम कर रहे हैं जी। क्या लड़कियाँ वहाँ पे सुरक्षित हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित हैं। अपनी बेटियों से भी बद के रखते थे पिताजी उसको, उधर लड़कियों को। अब देखा जा रहा है 3-4 साल से गुरुजी समाज में नहीं है, तो उससे समाज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है उधर? उसमें उससे भी ज़्यादा ही वो बढ़ चढ़ के जी, हमने तो विश्वास अब भी पिताजी पे उससे भी ज़्यादा दुगुना वो आ रहा, प्रेम प्यार उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। जो मीडिया की हेडलाइंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गुरुजी ने गरीबों के लिए क्या कुछ करा? गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जी गुरुजी ने। हम तो ये कहते हैं अभी गुरुजी हमारा जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। क्या समाज को गुरुजी की जरूरत है? हाँ जी, बहुत ज्यादा जरूरत है। आश्रम का माहौल कैसा है, गुरुजी का व्यवहार कैसा है आपके साथ? गुरुजी का व्यवहार बहुत अच्छा है जी, हम तो जैसे अपने बच्चों से करते हैं ना, ऐसे हमारे साथ व्यवहार था उसका, बहुत अच्छा। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? हम यही अपील करना चाहते हैं अभी हमारे गुरुजी ने जल्द से जल्द बाहर भेजे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।